जैसलमेर यात्रा पर आए शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का सिंधी समाज ने अभिनंदन किया। जैसलमेर यात्रा पर आए शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का सिंधी समाज जैसलमेर ने माल्यार्पण कर हार्दिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर सिंधी समाज के मौजूद लोग उपस्थित थे। मंत्री देवनानी ने भी समाज के लोगों के बीच अपने को पाकर समाज के लोगों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जैसलमेर भाजपा के विधायक छोटू सिंह भाटी व भाजपा जिला अध्यक्ष जुगल किशोर व्यास भी उपस्थित रहे। सिंधी समाज की ओर से शिक्षा मंत्री देवनानी को माल्यार्पण करने वालों में आशाराम सिंधी, हीरालाल साधवानी यू व पत्रकार नवीन वाधवानी ने अपने आप को धन्य बताया कि वे आज समाज ही नहीं देश के रत्न का सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। मंत्री देवनानी के सम्मान कार्यक्रम में पूज्य झूलेलाल पंचायत जैसलमेर के सचिव हीरालाल साधवानी, भारतीय सिंधु सभा जैसलमेर के अध्यक्ष आशाराम मूलचंदानी, समाज के वरिष्ठ सदस्य चंदुमल जसरानी, सिंधु युवा मंडल के अध्यक्ष भगवानदास ब्रिजानी एवं युवा सदस्य लोकेश साधवानी, तरुण वाधवानी, राजेश जसरानी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। जैसलमेर से पनावड़ा टीवी के लिए नवीन वाधवानी की रिपोर्ट। त्याग के आधार पर विदेशों से जितने आक्रमण हुए उसको उन्होंने सहन किया, संघर्ष किया, बलिदान दिए, ताकि जो भी इस देश में आक्रमणकारी आए, चाहे वो अरब वाले थे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे अन्य हो, तो आने का चूंकि रास्ता वही था, इस नाते उन्होंने संघर्ष किया और इसलिए वीर भी पैदा हुए महाराजा धार सिंह ने हेमू कालानी की तरह, और साथ में मोहनजोदड़ो की संस्कृति एक महान संस्कृति रही है। इस नाते हम सब लोग ये संस्कृति को जीवित रखें और अपना देश के लिए विचार करें। जब तक राष्ट्रगान में पंजाब और सिंध गुजरात मराठा है, तब तक सिंध को अमरण कर नहीं सकते। इसलिए सिंध की स्मृति के रखते हुए एक न एक दिन हम अखंड भारत बनाएंगे, इस प्रकार का मन में भाव रख करके समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, और आगे बढ़ें, उसके लिए पढ़ें, आगे अच्छी पढ़ाई करें। ये ठीक है, व्यवसाय एक अपना पक्ष है, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें, घर में अपनी भाषा में बोलें, ताकि भाषा को जीवित रखें। यह मेरा सबसे